हेलो फ्रेंड्स, प्यार भरी सत श्री अकाल सारे नु। तो गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो चलिए आज हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 आम। अब हम इसकी बना लेंगे प्योरी। तो चलिए आइए अब हम इसको पील कर लेते हैं। मैंने आम को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैं इनके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी में इनकी प्यूरी बना लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें आम ऐसा लेना है जिसमें पल्प ज्यादा हो, तभी मजा आएगा इसे बनाने में और खाने में भी। देखिए कितना पल्प है। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको मिक्सी में प्यूरी बना लूंगी। आम हो चुके हैं कट। तो चलिए आइए इसे मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ, इसकी प्यूरी बना लेते हैं। अब हम इस प्यूरी को बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बाउल हंग कर्ड। तो ये मैंने घर पे ही करा था, हंग कर्ड रेडी। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून हमारी शुगर, पाउडर शुगर। तो इसको अच्छी तरह से मैं व्हिस्क कर लूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। आपके पास ब्लेंडर है तो आप उससे भी अच्छी तरह से व्हिस्क कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगी। मैंने अच्छी तरह से व्हिस्क कर लिया। अब मैं इसमें इसे ट्रांसफर कर लूंगी। आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तरह से टैप कर लूंगी। आप कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर में इजीली डाल सकते हैं। अब तो इसे मैं एकदम फ्लैटन कर लूंगी और ऊपर से मैं डालूंगी इसके अंदर, गार्निश करूंगी पिस्ता। आप कोई भी कैश्यू, बादाम कुछ भी डाल सकते हैं। और मैं अब इसे 6 to 7 आवर्स के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। 6 to 7 आवर्स। तो हमारी मैंगो आइसक्रीम हो चुकी है रेडी। तो अब हम करते हैं सर्व और टेस्ट। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ। है ना देखने में कितनी अच्छी। तो बस इसके ऊपर से हम गार्निश करेंगे पिस्ता और इसे हम एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, टू फॉलो आवर पेज दिल से कुकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।